نحمده و نصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین, آج ہمارا موضوع ہے وصیت, ول. وصیت یا ول کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت اپنی جائیداد کے بارے میں وہ عاقل ہو بالغ ہو تو وہ کر سکتا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ وصیت کس حد تک کر سکتا ہے اور کب کرے گا, اس پر آبجیکشن کیا ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت اپنی جائیداد میں سے میکسیمم 1/3 یعنی کہ 1/3 حصہ وہ اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ہاں اس سے کم ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ اسلام میں وصیت کو جائز قرار دیا ہے, اور لیکن ساتھ ہی ورثاء کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ کسی بھی وارث کو وصیت, اس کے حق میں وصیت صرف ایک وارث کو باقیوں کو چھوڑ کر وصیت نہیں کر سکتا. اس طرح ورثاء کے درمیان یقیناً ناچاکی اور عداوت اور مخالفت کے جذبات ابھرنے کا اندیشہ ہوگا, اور چونکہ اسلام پیار و محبت کا دین ہے, اسلام میں باہمی بھائی چارہ, رشتہ داروں میں پیار محبت خلوص, اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ وصیت غیر رشتہ دار میں, یا رشتہ دار بھی ہو تو وہ وارث نہ ہو. اگر وارث ہے تو پھر وصیت نہیں ہے. ہاں اگر وصیت کے وقت وہ وارث نہیں تھا جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے, لیکن وہ زندگی ہی میں کچھ ایسی تبدیلی آ گئی کہ وہ وارث بن گیا, تو پھر وہ وصیت ختم ہو جائے گی. مثلا ایک شخص, اس کا بیٹا ہے, اس کا باپ ہے, اس کا دادا ہے, اور وہ اپنے دادا کے حق میں, کوئی شخص اپنے دادا کے حق میں وصیت کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہ ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ دادا کی موجودگی میں باپ فوت ہو گیا تو وہ اب دادا وارث بن گیا, لہذا اس وقت وہ وصیت ختم ہو جائے گی اور ان کا وراثت کے حساب سے
उनका हक मिलेगा। इसी तरह औरतों का भी यही है, जो मर्द का है वही औरत का है। लिहाजा हाँ, वसीयत करने वाले की उम्र, क्योंकि इस्लाम में बलूगत 18 साल रखी है कानून में, वो के इस्लाम में तो कुछ कमी पर भी है, आमतौर पर 15 साल को, लेकिन कानून हमारे मुल्क का कानून है कि कोई भी शख्स जब 18 साल का होता है तो वो बलूगत कानूनी तौर पर बालिग हो जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स की गार्डियनशिप चल रही हो तो उसकी बलूगत 21 साल है। बहरहाल ये ज़िमनी सवालात हैं, ज़िमनी कानून है। तो कोई भी शख्स प्रॉपर्टी उसकी, ज़रूरी नहीं है कि वो जायदाद जब वो विल या वसीयत कर रहा है तो वो मौजूद हो, लेकिन जब फौत हो तो उस वक़्त जायदाद का होना लाजमी है। हाँ, ये भी ज़हन में रखें कि विल या वसीयत कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं है, कानूनी तौर पर या शरी तौर पर कि वो तहरीरी हो, लेकिन तहरीरी अगर ना है तो उसको साबित करने के लिए गवाहान का सिक्का होना, उनको उनका साबित करना, अगर अदरवाइज़ कोई शख्स साबित कर लेता है, मसलन किसी शख्स ने कोई ख़त लिखा किसी को और उसमें अपनी वसीयत के बारे में उसने कुछ तहरीर किया अपनी जायदाद के बारे में, तो गो के वो वसीयतनामा तो ना है लेकिन वो एक सबूत है, उससे साबित हो सकता है कि मुतवफ़ी ने वसीयत लिखी है। हाँ, ये ज़हन में रहे कि शरीयत में हर शख्स को वसीयत लिखने की ताकीद फरमाई है, क्योंकि बहरहाल और ये वसीयत क्योंकि दूसरों के बारे में होती है जो वारिस ना होते हैं, तो बहरहाल अब ये अगर कोई लिखना रह गया है या नहीं लिखी उसने तो और बात है। और वसीयत पर अमल मुतवफ़ी के फौत होने के बाद, हाँ, उसके लिए यकीनन गवाहान का होना, लेकिन गवाहान का ये भी नहीं है कि वो हाशिया गवाह हों, लिखे हों, तहरीर हो, ज़रूरी भी ना है, लेकिन बहरहाल उसको साबित करना है किसी भी अंदाज से कि ये वसीयत मुतवफ़ी की है, क्योंकि जब भी जब वो फौत होने के बाद यकीनन पहले उस पर कर्ज़ देखा जाएगा, अगर वो मकरूज़ है तो कर्ज़ पैसे पहले उतारा जाएगा, फिर उसकी तजीज़ो तकफ़ीन है उसको पूरा किया जाएगा, उसके अखराजात हैं, उसके बाद वसीयत पर अमल होगा। लिहाजा अपनी जायदादों के बारे में हर आदमी को वो हक है कि वो 1/3 तक वसीयत कर सके। अलबत्ता इसमें ये भी ज़हन में रखें कि कुछ मामलात वसीयत में असनाए अशरी के असूल और उनके कवानीन कुछ
मुख्तलिफ भी हैं, लिहाजा हर शख्स अपने पर्सनल लॉ को, ये जो आम तौर पे हम लेक्चर, चूँकि मजॉरिटी हमारे एक मुल्क में सुन्नी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, तो उसके हम ख्याल रखते हैं, लेकिन बहरहाल अस्नाए अशरी के कवानीन पर्सनल लॉ में, वरासत में और वसीयत में मुख्तलिफ हैं। लिहाजा आप हजरात जहाँ कवानीन होते हैं उनके बारे में तो आप हमसे राबता कर सकते हैं, कुछ शरी मामलात होते हैं तो वो अपने मकामी उलमा से भी रजू किया जा सकता है इन मामलात में। और चूँकि वरासत एक बहुत पेचीदा तरीक़ाकार है, और इस वजह से मुझसे आम तौर पर मेरे नाज़रीन राबता करते हैं कि वरासत जी ऐसे कैसे तकसीम होगी, वैसे कैसे तकसीम होगी। तो चूँकि ये एक बड़ा तफसील तलब मामला होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बहुत लंबा चौड़ा वरासत का हिसाब किताब होता है, लिहाजा जब आप ऐसे कोई मामलात मसाइल हों तो अपने मकामी वकला से भी राबता किया करें, क्योंकि उनसे आप तफसील से, क्योंकि हम चैनल पर बाज़ औक़ात इन मामलों में तो सिर्फ मुख्तसरन कानूनी मामलात को आपको मशवरे देते हैं, लेकिन तफसीलात जो होती हैं वो मकामी वकला और उलमा से इन मामलात में राबता किया करें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।